उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। घर से दूर रहकर भी बच्चों को अगर माँ जैसा प्यार मिले तो आप इसे क्या कहेंगे। आज के समय में आपने कई हॉस्टल की खबरें सुनी होंगी जहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। खास तौर पर बालिकाओं के छात्रावास के मामले में तो चिंता अभिभावकों की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन टिहरी जिले का एक छात्रावास ऐसा भी है जहाँ पर बालिकाएं खुश हैं, कहती हैं कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि वो घर से दूर हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं के लिए प्रारंभिक स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की थी। इसी योजना के अंतर्गत टिहरी जिले के प्रताप नगर में लंब गांव के समीप सुजार गांव में 50 छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में इस छात्रावास में लगभग 50 छात्राएं रहती हैं और इन छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ रहने खाने और तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है। छात्रावास में बच्चियों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उनका भविष्य संवर सके। छात्राओं का कहना है कि हमारी अध्यापिका हमें छात्रावास में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। हम यहाँ पर अपने घर जैसे ही रहते हैं और हमारी अध्यापिका हमें माँ जैसा प्यार करती है। हमारी मैम हमें बहुत अच्छा मानती है और हमें यहाँ रहने के लिए बहुत सुविधाएं मिलती है, जैसे खेल। और हमारी मैम हमसे बहुत प्यार करती है, हम भी करते हैं मैम से। और यहाँ पे हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती है, जैसे सुबह को दूध पीने को मिलता है और जैसे बादाम मिलते हैं, काजू, किशमिश, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे मुझे घर में जैसे मुझे घर का कोई यहाँ वो ही नहीं लगता है। वही छात्रावास के प्रिंसिपल का भी कहना है कि बच्चियों के समग्र विकास के लिए उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उन्हें ये न लगे कि वो घर से बाहर हैं। सर, यहाँ पे 50 लड़कियाँ हैं और यहाँ केवल बच्चों के रहने की व्यवस्था है और बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे विद्यालय में जाते हैं। जो लड़कियाँ हैं इसी ब्लॉक की हैं, एक दो लड़कियाँ जब मदन नेगी से भी आई हुई हैं, हमारी थोड़ी दूर से हैं, और गरीब जो घरों की बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। संवाद 365 के लिए टिहरी से बलवंत रावत की रिपोर्ट।